عرش النبي برق العلا بكماله. قال غور نہ سن دو شے راکبے دو شے بلغ اللہ کمالی راکبے دو شے بلغ اللہ کمالی ہے انہی کے دم سے یہ روشن کشف تجابے جمالی نانا نبی والد علی تو والد علی تو نانا نبی نانا نبی والد علی حسن جمی و خصالگی یعنی حسین ابن علی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. دو شعر یہ ایک میسج ہے کہ نہ مسلم ہے نہ مومن ہے 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 حیوان ہے وہ انسان نہیں نہ مسلم ہے نہ مومن ہے حیوان ہے وہ انسان نہیں. کل تے اگلی لائن چ کھلنی اس واسطے تسی بولے کوئی نہیں پتہ نہیں کینوں کہندا ہے نہ مسلم ہے نہ مومن ہے حیوان ہے وہ انسان نہیں. سنو سنو نہ مسلم ہے نہ مومن ہے حیوان ہے وہ انسان نہیں. جن لوگوں کو حسنین و علی جن لوگوں کو حسنین و علی اور زہرا پہچان نہیں جن لوگوں کو حسنین و علی اور زہرا کی پہچان نہیں جن لوگوں کو حسنین و علی اور زہرا کی پہچان نہیں جن لوگوں کو حسنین و علی اور زہرا اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں اور آل نبی سے لڑتے ہیں. اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں اور آل نبی سے لڑتے ہیں اور آ کر قرآن کے چومتے ہیں اور آ کر قرآن کے چومتے ہیں کیا حسن و حسین قرآن نہیں اور آ کر قرآن کے چومتے کیا حسن و حسین قرآن نہیں اور آ کر قرآن کے چومتے ہیں کیا حسن و حسین قرآن نہیں قرآن کے چومتے ہیں کیا حسن و حسین قرآن اللہ تعالیٰ سجاد حسین پٹی صاحب کا مرتبہ بلند کرے کیونکہ انہوں نے فرمائش کر کے میرے مرتبے کو بلند کر دیا. انہوں نے کہا کہ کوئی محمد والے محمد کی بات سناؤ حضور کی آل اولاد کی بات کرو تو پھر میں نے اسی لیے تو کہا کہ اوپر سے کلمہ پڑھتے. اچھا احسان بھائی شاہ جی تھی دیکھنا ایک ہوں اتوں اتو یعنی دل تو اتو اوپر سے کلمہ پڑھتے اور آل نبی سے لڑتے ہیں اور آ کے قرآن کے چومتے ہیں اور آ کے
भली है यहाँ के जीने से, जहाँ हुसैन ने सर दे दिया बड़े करीने से, मैं उस हुसैन को, मैं उन हसनैन को कुरान ही तो क्या समझूं। रसूल पाक लगाते थे जिनको अपने सीने से, हुसैन जानते रे क्या दयार नूर बसाना, हुसैन जानते रे दयार नूर बसाना, हुसैन जानते रे दयार नूर बसाना, हुसैन जानते हैं जमीन पे अर्श सजाना, हुसैन जानते हैं जमीन पे अर्श सजाना, हुसैन जानते हैं अगर खुदा से है मिलना तो फिर हुसैन से मिल, अगर खुदा से है मिलना तो फिर हुसैन से मिल, तुझे खुदा से मिलाना, हुसैन जानते हैं तुझे खुदा से मिलाना, हुसैन जान कहा नबी ने कि सिजदा तवील कैसे करूं, कहा नबी ने कि सिजदा तवील कैसे करूं, अरे कहा नबी ने कि सिजदा तवील कैसे करूं, कहा हसन ने के नाना हुसैन जानते हैं, हसन ने के नाना, फिर ऊपर से कलमा पढ़ते हैं और आले नबी से लड़ते हैं और आके कुरान के चूमते हैं, और आके कुरान के चूमते हैं, क्या हसन ओ हुसैन कुरान नहीं, और आके कुरान के चूमते हैं, क्या हसन हुसैन कुरान नहीं, जिस पे राजी है मौला अली, उस पे राजी है मेरे नबी, जिसे राजी है मौला अली उस पे राजी है मेरे नबी, जिस पे नाराज ये दोनों है, जिस पे नाराज ये दोनों है उस पे राजी रहमान नहीं, जिस पे नाराज ये दोनों है उस पे राजी रहमान नहीं। अब कुछ अपने प्यास साहब का भी कहना है तो कुछ जोया साहब का भी कहना है। मेरा ख्याल जोया साहब सख्त आदमी है, इनकी बात पहले मान लेनी चाहिए। जब अली को भी मान लिया दो ही शेर पढ़ने में तो टाइम बहुत हो गया। मैं सुबह पता बहुत दूर जाना, इस्लामाबाद होके जाना, सोना भी है जाके, थोड़ी मेहरबानी। जब अली भी राजी हो गया, नबी भी राजी हो गया, रहमान भी राजी हो गया, कुरान भी राजी हो गया, इस्लाम भी राजी हो गया, तो फिर उन तो कहना कि मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, अब मेरी बात बन गई, बात बन गई है, मेरी बात बन गई है,
मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, मेरी बात मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है। मैंने तो खाक पे यूं ही फेरी थी उंगलियां, मैंने तो खाक पे यूं ही फेरी थी उंगलियां, कौट कौट मैंने तो खाक पे यूं ही फेरी थी उंगलियां, देखा जो गौर से, देखा जो गौर से, देखा जो गौर से, मेरी बात बन गई है, 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 मेरी बात बन गई है। अगर इसकी तजमीन में जाए तो अजान फजर भी हो सकती है, अगर उससे आगे तजमीन में जाए तो अजान फजर के बाद अजान जोहर भी हो सकती है। ये को मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये आमद होती है। अगर यही नात पढ़नी है तो दो दिन हम पढ़ सकते हैं, ये इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये आमद होती है। लेकिन आप भी देख रहे हैं कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, कब से अल्हम्दुलिल्लाह अभी हूँ, तो फिर कहना तो होगा कि मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है। छोटा सा टच देना, आपने भी हलीमा सादिया का जिक्र किया, बस हलीमा सादिया वो उसके घर का आपको नक्शा दिखाते, मैं तो गया अल्हम्दुलिल्लाह आप भी जाए साथ में, मशकी सा चक्की ते मट्टी दे बर्तन को नाली सी चमड़े दी गिनती च आई। अल्लाह ताला जनन सी फरमाए हफीज साहब, मैं दादा साहब महफिल पढ़ रही मजबूत पढ़े ते हफीज साहब ने बोला कल बेटा गल सुनो, इंज लगदा है तेरे बाप ने हलीमा दे बेड़े च बैठ के देखा। मैं कह ये तय है ओ कक्खां दा छप्पन तेरे ताल दा टप्प इर्द गिर्द कन्हां दी दीवार छा ते वेड़े जदों ते खजूरां दे बूटे ते ऊठां दी उन दी सी इक्को चटाई चिमचकी सा चक्की ते मट्टी दे बर्तन को नाली सी चमड़े दी गिनती च आई। ओ दिन रात कर दी सी अरज़ां सी रहंदी, ओ दिन रात कर दी ए अरज़ां सी रहंदी, खुदा बंदा रहमत दी बारिश तू पा दे, तू महबूब अकबर तू आखर तू वाकर, हलीमा दी झोली च तू खैर पा दे। तो होया पता की तारीख पढ़ कर दुआ करके सो, दुआ करके सो गई ते की वेखदी जो वेड़े च जन्नत जहूरां ने आईया, करण साफ आके हलीमा दा बेड़ा ते छप्पर च नूरानी दरियां बिछाईया, रल मिल के गावन मोहम्मद दे सेरे हलीमा नू वद वद के देवन वधाईया। हलीमा ने पुछया दसो ने कमाईओ ए केड़ा मोहम्मद ते क्यों गाउंदियां, मेरे घर च केड़े बलोड़े ने आउणे जो जन्नत दे इतरा नू छिड़काउंदियां। ਅਦਬ ਨਾਲ ਹੂਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹਲੀਮਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਮਾਲਮ ਦੀਵਾਲੀ ਨੇ ਆਉਣੇ ਜਿਨੇ ਰੋਣੇ ਗਾਣਾ ਚ ਉਮਤ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਲੀ ਨੇ ਆਉਣੇ। मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, आका तेरी बात करते करते, मेरी बात बन गई है, आका तेरी बात करते करते, मेरी बात बन गई है, आका तेरी बात करते करते, मेरी बात बन गई है, आका तेरी बात करते करते, मेरी बात बन गई है, आका तेरी बात करते करते, मेरी बात बन गई।
तू बन गई है मेरी बात बन गई। बस है बस एक शेर मैं शौक ना सुनाना शाह जी तानू क्योंकि अमृतसर तो मैनू उमरे का टिकट मिले इस नात ते एक तोड़े वर्गा डोगर साहब वर्गा बंदा बैठा सी ते मैं पढ़ रहा सी अखां बंद मेरी बात तो उदो मैं मदीने नहीं सी मेरी बात बन गई। वो बंदा आया माइक ते मैं कहन लगा यार गल सुन ए तेरा टिकट ते ए तेरा खर्चा ते हुण कह कि मेरी बात बन गई है मेरी बात बन गई है आका तेरी बात करते करते। किस्सा की के मैं हजूर लाहौर तो फ्लाइट च बैठा जद्दे वास्ते ते मैं बैठा जहाज च मैं तुहानू पता पहली बारी मदीना उतो नाथ खान हजूर दा ते ओ एयर होस्टल आईयां आप क्या लेंगे आप क्या खाएंगे ये खाएंगे सबके आगे खाना रख दिया तो खाना मेरे सामने पड़ा है मैंने खाया नहीं आंखें बंद है तो यही कहता हूँ मेरी बात बन अब मेरी बात बन गई। एयर होस्टल का फर्ज होता है पूछ के क्या तबीयत ठीक है आपने खाना नहीं खाया वो बोलते हैं आपने कुछ खाया नहीं कुछ पिया नहीं आपको पता नहीं मैं इसलिए ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा क्योंकि मेरी बात बन गई है मेरी बात बन गई है आका तेरी बात करते करते। मेरी बात बन गई है तेरी बात करते 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 तेरे शहर तक मैं पहुंचा तेरे शहर तक मैं पहुंचा आका तेरी बात पढ़ते पढ़ते मेरी बात बन गई है। मेहरबाना सुल्ताना तेजी शाना वड़े कर्म कमाए नी भला होवे कखा विच पैरुल दे सन बख्त मेरे फड़ के लख बनाए नी भला होवे कलर शोर जमीन सा मेहरबाना तू बूटे करम दे लाए नी भला होवे सारा ही पता सरदार नू कीती अदा पर दे पते पाए नी भला होवे किस चीज की कमी ना है आरज़ू भी कोई क्यों तूने इतना भर दिया है तूने इतना भर दिया है आका कश कोल भर दे तूने इतना भर दिया है आका कश कोल भर दे मेरी मां तू बन गई है। मैंने कल को भी पढ़ना है ये याद रखिए आपकी मेहरबानी। चलो आपके एक फरमाइश है मुझे उसने कहा था आते ही उसके दो शेर सुन लो मैं आपसे वादा करता हूँ कि वो दो शेर हम पांच से पहले यानी चार या तीन या दो मिनट में सुनाएंगे। एक दफा दुरूशी पढ़ जो बे सदा है जो बे सदा है वो सहरा जरूर बोलेगा कभी न बोलने वाला जरूर बोलेगा कभी न बोलने वाला जरूर बोलेगा
अली का बुग्ज छुपाए से छुप नहीं सकता, अली का बुग्ज छुपाए से छुप नहीं सकता। जुबान बोले ना चेहरा जरूर बोलेगा, जुबान बोले ना चेहरा जरूर बोलेगा। नमाज जुबान नमाज जुबान खोल ना पाएगी यजीदियों की नमाज, मगर हुसैन का सिजदा जरूर बोलेगा, मगर हुसैन का सिजदा जरूर बोलेगा। तो गौर करना, अली के नाम पे छुप जाए मस्जिदें, लेकिन अली के नाम पे छुप जाए मस्जिदें, लेकिन निशाने खाना काबा जरूर बोले, निशाने खाना काबा जरूर बोलेगा, जरूर बोलेगा, निशाने खाना काबा जरूर बोलेगा। जुबान मीस में तीमार की कसम दे दो, जुबान मीस में तीमार की कसम दे दो, जाओ जुबान मीस में तीमार की कसम दे दो, अली के नाम पे गूंगा जरूर बोलेगा, अली के नाम पे गूंगा जरूर बोलेगा। क्या बोलेगा पता है? बताऊं, जमीन से लेकर आसमां तक अली के झंडे खड़े हुए हैं, जमीन से लेकर आसमां तक अली के झंडे खड़े हुए हैं, जमीन से लेकर आसमां तक अली के झंडे खड़े हुए हैं, जमीन से लेकर आसमां तक अली के झंडे खड़े हुए हैं, मगर रकीबा ने बेकिरत है के अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, जमीन से लेकर आसमां तक दरे खैबर पड़े हुए, दरे खैबर उठाने को अली ने जब आस्ती उल्टी, दरे खैबर उठाने को अली ने जब आस्ती उल्टी, जमीन समझी फलक उल्टा, फलक समझा जमीन उल्टी। आपने भी मुझे शेर कहने पे मजबूर कर दिया, मैं तो टाइम बचा रहा था। अकल की हकीकत भी माने थी नहीं, अकल की हकीकत भी माने थी नहीं, नहीं 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 मान दी की, नाले कुतुब होवे नाले चोर होवे, नाले नफी होवे नाले आप होवे, नाले आज जीते सीना जोर होवे, मैं पुत्र आदम दा उस नहीं मनदा जो आदम जाद होके आदम खोर होवे, ओ मोमिन ओ सरदार नहीं हो सकदा जो उतो होर होवे विचो होर होवे, जमी से लेकर आसमां तक अली के झंडे। सुनिए शेर, वो कह रहे हैं खुदा से मांगो हमारी धुन है अली से, वो कह रहे हैं